थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नंदुपुर में हत्या कर फेंके गए 3 शवों का सफल अनावरण। हत्या में शामिल 4 अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद। 14 मार्च 2021 को वाराणसी चुनार मार्ग पर रात्रि में किसी समय ग्राम नंदुपुर अदलपुरा थाना चुनार क्षेत्र अंतर्गत सड़क के किनारे 3 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करके शव छुपाने की नीयत से फेंक दिया गया था, जिन्हें चुनार पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में ले लिया गया, जिनकी शिनाख्त क्रमशः राजकुमार यादव पुत्र घुघली सिंह निवासी गोडारी थाना काराकाट गोडारी जिला रोहतास बिहार, दूसरा पिंटू सिंह पिता राजेंद्र सिंह ग्राम खिचड़िया बिगहा थाना अकोड़ी गोला जिला रोहतास, तीसरा ओमकार पुत्र जिमदार निवासी जमुआ थाना कारागट गोडारी जिला रोहतास एवं वादी श्री घुघरी सिंह पुत्र स्वर्गीय शिव गोविंद सिंह निवासी गोडारी थाना काराकाट जिला रोहतास बिहार के रूप में हुई। मृतक राजकुमार के पिता घुघली सिंह की तहरीर के आधार पर थाना चुनार पर मुकदमा अपराध संख्या 63/21 धारा 302/201 भादवी बनाम कृष्ण सिंह उर्फ विनोद बिहारी पुत्र स्वर्गीय राकेश्वर सिंह ग्राम बटकी करपुरवा थाना दरी गांव जिला रोहतास बिहार व दूसरा लाल बहादुर महतो पुत्र राम आशीष सिंह निवासी खिचड़िया बिगहा थाना अकोढ़ी गोला जिला रोहतास बिहार पंजीकृत किया गया। उक्त घटना के अनावरण हेतु महेश सिंह अत्री अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन के नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई, जो क्रमशः सुशील कुमार यादव क्षेत्र अधिकारी चुनार, गोपाल जी गुप्ता प्रभारी निरीक्षक चुनार व उप निरीक्षक रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वास्थ्य सर्विलांस टीम मिर्जापुर लगाई गई थी। घटना के अनावरण हेतु गठित टीमों द्वारा कठोर परिश्रम करते हुए सुरागर्सी पतारसी व सर्विलांस के माध्यम से घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सुराग एवं साक्ष्य एकत्रित किए गए। मुखबिर की सूचना पर बहद ग्राम सैलास थाना कोचस रोहतास से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से आला कत्र अवैध तमंचा व कारतूस खोखा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 34/120 बी भादवी व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। मृतक पिंटू सिंह एक कुख्यात अपराधी था, कई जघन्य अपराधों में भी शामिल था तथा हत्या के अभियोग में वांछित व काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध थाना सासाराम टाउन व अकोढ़ी गोला बिहार पर कई अभियोग पंजीकृत है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए भूप नारायण मौर्य की खास रिपोर्ट। उसका खुलासा जब कर रहे हैं, क्या था पूरा मामला, कैसे ये पूरा व्यक्ति गिरफ्तार? आप सबको अवगत ही है कि दिनांक 14/3/2021 को थाना चुनार क्षेत्र में 3 डेड बॉडी बरामद हुई थी और उनकी शिनाख्त भी उसी दिन हो गई थी। ये तीनों बिहार के रहने वाले थे। इस घटना का अनावरण करना हम लोगों के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। इसके अनावरण के लिए एडिशनल एसपी नक्सल के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने अथक परिश्रम करके मैनुअल इंटेलिजेंस सर्विलांस या अन्य माध्यम से घटना में आज घटना संबंधित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और घटना का सफल अनावरण किया गया। सर, कैसे ये घटना हुई, मतलब कौन मारा इनको, क्यों मारा, क्या वजह, क्या बताया जा रहा है कि रिश्तेदारी थी? नहीं, ये घटना आपसी रंजिश में पूर्व योजना के तहत हुई है, जो इसकी योजना पहले ही बनाई गई थी। मृतक पिंटू का आपराधिक इतिहास है और वहाँ की हत्या में वांछित है। उसने कृष्ण बहादुर के लड़के की हत्या की थी। उसी के कारण कृष्ण बहादुर के घर वालों ने, जिसमें एक आप देख रहे हैं अनिल गिरफ्तार है, कृष्ण बहादुर का छोटा भाई है, उन्होंने एक योजना के तहत और सबका गुट बना करके आपसी विचार विमर्श के बाद घटना स्थल बुला करके
इन तीनों की हत्या कर दी। ये रिलेशन में भी थे सर, मामा भांजा के बताया जा रहा है कि वो मामा थे, कुछ ऐसा रिलेशन भी है जिनकी हत्या भी है? नहीं, इनका दूर का रिलेशन है, इनका दूर का रिलेशन है। ये बताया जाता है कि पिंटू ने जिसकी हत्या की थी उनके मामा का लड़का है। सर हत्या कहाँ हुई थी और कैसे हुई थी, कहाँ लगाया गया? जो हत्या हुई थी ये कोचस थाना क्षेत्र है बिहार में, और शैलास गांव के आसपास घटनास्थल बताया गया है जहाँ इनकी हत्या की गई। बुला इनको दावत के वाहन में बुलाया गया था और वहीं गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 100 साल ले आया गया मुजफ्फरपुर, 100 साल कहाँ कैसे लेके आए? ये 100 वहाँ से लेकर के चले हैं रात में, और रात में 100 लेकर के चले और भभुआ यूपी बॉर्डर में आए हैं। चूँकि एक इसमें अभियुक्त विकास राय, जो अभियुक्त विकास राय है वो बनारस का रहने वाला है, बनारस में भी रहता है, तो उसको सारे रास्तों की जानकारी है और मेन रोड से न होकर के लिंक रोडों से होकर के आया है, और उसने यहाँ पर डेड बॉडी फेंक दी।